بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम सूरत मरियम की आयत नंबर 69 से लेकर 75 तक पढ़ेंगे, यानी कि 69 से लेकर 75 तक। सुम्मा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सुम्मा फिर लनज़ियन्ना, हम जरूर खींचेंगे, मिन कुल्ली शियातिन, हर ग्रोह में से, अय्युहुम, कौन ज्यादा अशद्द, ताकतवर है, सख्त है, अलर रहमान, रहमान पर अतिया करने में, यानी कौन है जो रब के सामने करता है। सुम्मा लनहनु, फिर लनहनु अलबत्ता, आलमो, हम ज्यादा जानते हैं, बिल्ला जीना, उन लोगों को, हम वो औला, ज्यादा हकदार है, बिहा, उसमें सलीया, दाखिल होने के लिए, यानी कि जहन्नम में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम ज्यादा जानते हैं उन लोगों को। वही मिनकुम, वो नहीं है तुम में से, इल्ला, मगर वारिद हुआ, उस पर वारिद होने वाला, काना है, अला रब्बिका, आपके रब पर, हतमम मक्सिया, इसका फैसला लाजम करना, इसका फैसला। सुम्मा फिर नजिल्लादीना, हम निजात देंगे अल्लाह दीना, उन लोगों को, इतको, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जो परहेजगार थे, वनादरा, और हम छोड़ देंगे अज़ालिमीना, ज़ालिमों को, फीहा, उसमें, यानी कि जन्नत में, जैसे क्या गुटरों के बारे फ़ायदा, और जब तुतला पढ़ी जाती है अलैहिम, उन पर आयातना, हमारी आते बैनातिन, वाज़ह, हाला तो कहते हैं अल्लाह दीना, वो लोग काफर, जिन्होंने कुफर किया, लिल्ला दीना, उन लोगों से आमन के ईमान लाए, यानी कि काफर लोग ईमान वालों से कहते हैं, अय्युल फरीकैनी, कौन है दो ग्रोह में से, खैरुन, बेहतर, आमन ठिकाने के लिहाज से, वअहसनु, और अच्छा है नदिया, पुकारने के लिहाज से, बुलाने के लिहाज से, वकम, और कितनी ही अहलकना, हमने खलाक कर दी, कबला हम, इनसे पहले, मिन करनी बस्ती, यानी कि कितनी ही बस्तियों को हमने खलाक कर दी इनसे पहले, हम वो आसन, अच्छी थी, असासन, मरिया, सामान के लिहाज से और देखने के लिहाज से, यानी कि दुनियावी ऐश्वर्य उनके पास बहुत ज़्यादा थी, देखकर बंदा रिश्क करता था, इतना माल भी था, दुनियावी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना जो है फिस जलालत गुमराही में, फन यमद, तो दराज कर देगा अल्लाह उसके लिए, अर-रहमान, रहमान मतदा दराज करना, यानी कि उसको और गुमराही में कर देगा, हत्ता, यहाँ तक के इधर जब राहु को देखेंगे, माँ यू आदमुना, जो वादा किया गया था उनसे, इम्मत आदाब है या तो आदाब होगा, भाई मत साद या तो क्यामत होगी, फसे आदमुना, तो अनकरीब वो जान लेंगे, मन हुआ कौन है वो, शर्मुन, बदतरीन, मकानन, ठिकाने के लिहाज से, वाजाफू, और कौन ज़्यादा कमज़ोर है जुमदन, लश्कर के एतबार से, यानी कि अल्लाह के सामने कोई लश्कर काम नहीं आएगा, कोई जमात काम नहीं आएगी, सारी कमज़ोर। अल्लाह तबारक व तआला का कानून है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में शर्कस्त को छोड़ देते हैं कुछ वक्त के लिए, फिर जब उसकी रस्सी खींचते हैं, फिर मौका, फिर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर हेल्प का, मदद का कोई दरवाज़ा बाकी नहीं रहता। तो बच्चों, इस सबक को आपने पढ़ना भी है, याद भी करना, और इस पर अमल भी करना, कुरान पर, कुरान मुत्तकीन को जन्नत का वारिस कह रहा है, हमने तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस।